मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरुणा बड़गुतिया और आज हम बायो का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमने जो लास्ट वीडियो थी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था, बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चुका था कंप्लीट। एंड जो कायिक जनन था, कायिक जनन में आपका एक भाग रह गया था, उसमें से एक कंप्लीट करवा दिया था मैंने। वो एक भाग जो था वो प्राकृतिक विधियां सारी कंप्लीट हो गई थी, प्राकृतिक विधियां पढ़ ली थी हमने। आज हम जो पढ़ेंगे वो कृत्रिम विधि पढ़ेंगे कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों में जो कायिक जनन होता है, तो कायिक जनन जो होता है उसमें कृत्रिम जनन भी हम करवा सकते हैं। प्राकृतिक विधियों द्वारा तो जनन होता ही है, पर हम कृत्रिम विधियों द्वारा भी जनन करवा सकते हैं। अब कृत्रिम विधियों द्वारा जनन का मतलब क्या होता है कि अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों की वेराइटियाँ चाहिए, अगर हमको बहुत सारे पेड़ पौधों की वेराइटीज चाहिए, उनकी अलग अलग जातियाँ चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, उसको कृत्रिम रूप से नए पौधे को बनाना होगा। तो कृत्रिम रूप से नए पौधे को बनाने की जो विधि होती है, मतलब कि हमारे द्वारा जब हम ये काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। समझ में आ गया, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से, या हमारे द्वारा जब पौधों में जनन करवाया जाता है, किसी मनुष्य के द्वारा अगर पौधों में जनन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम कायिक जनन बोलते हैं। कृत्रिम कायिक जनन जो होता है वो आप घर में भी देखते हैं, जैसे गुलाब का पौधा, गुलाब के पौधे में होता है। आप क्या करते हो, गुलाब की कलम अगर आपको नया अगर वेराइटी बनानी होती तो आप क्या करते हो उसके लिए, जिसे आप क्या करते हो, उसकी कटिंग कर देते हो, कटिंग करके उसको मिट्टी में लगा देते हो, जिससे क्या होता है नया पौधा बन जाता है। अगर आप एक गुलाब के पौधे से 10 कलम निकाल लोगे और 10 ही कलम को काट के अगर अलग अलग जगह रोपोगे तो क्या होगा, एक गुलाब के पौधे से 10 गुलाब के पौधे बन जाएंगे। तो इससे क्या लाभ होता है, इससे पहला लाभ तो ये होता है कि बीज की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, एक ही पौधे से हम बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए गुलाब की तो अलग अलग किस्म है, मान लो एक व्हाइट गुलाब की किस्म है और एक पिंक गुलाब की किस्म है, अगर हम दोनों की कलम को एक दूसरे के ऊपर ग्राफ्ट करते हैं या बांधते हैं तो उससे क्या होता है, जो नया गुलाब बनता है वो अलग वेराइटी का होगा, क्योंकि उसमें व्हाइट या सफेद गुलाब के और जो पिंक है या गुलाबी जो गुलाब है उसके दोनों के गुण जो होते हैं उसमें मौजूद होते हैं। तो उससे क्या होगा, आपने क्या करा, दो अलग अलग वेराइटी से एक नई वेराइटी बना दी, ठीक है। तो ये जो मेथड होती है इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है कि अगर हमको प्रकृति में नई वेराइटी देना है, इसलिए हम इसको हाइब्रिड भी बोलते हैं, क्योंकि हाइब्रिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अलग अलग जातियों से निर्मित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग जातियों के पौधों से नई जाति भी बना सकते हैं, बहुत सारी वेराइटीज बना सकते हैं, बिना बीज के उत्पादन कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें तो हमारी मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है, अधिकांश जो जनसंख्या है वो किस पर डिपेंड करती है, वो टोटली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, कृषि पर। तो कृषि पर अगर वो निर्भर करती है तो कृषि में जो पारंपरिक तौर पर जो कृषि होती थी तो उसमें किसका निर्माण, मतलब उसमें किसका उपयोग होता था, उसमें हम उपयोग करते थे बीजों का, हम बीज के द्वारा ही उन्हें लगा सकते थे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बीज खरीदना भी महंगा होता था, बीज को स्टोर करना महंगा पड़ता है ना, बीज में कोई कीड़े अगर लग गए तो उनको रखना मुश्किल हो जाता है। तो आज के समय में क्या करते हैं, और आज के समय में इसलिए इस चीज़ का या कृत्रिम विधियों का उपयोग किया जाता है ताकि एक पौधे से बहुत सारे पौधे बन जाए। वैसे ही हम फलों में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि फलों की खपत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम से कम 30% जो है वो फलों का उपयोग किया जाता है खाने में, है ना। और ये बोलते भी है कि अगर हम अपना खाना लेते हैं तो उस भोजन में हमको 30% अपना फ्रूट्स लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमको फ्रूट्स का उपयोग करना है तो उसकी खपत भी बढ़ेगी, अगर खपत बढ़ेगी तो हमको उसका ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, और ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा तो हमें ज़्यादा वेराइटीज चाहिए। तो आज के समय में आप देखोगे जितने भी फ्रूट्स आते हैं उस फ्रूट की हमको बहुत सारी वेराइटीज मिल जाती है। तो ये इसका कारण क्या होता है कि हम आज के समय में कम समय में और कम लागत से ही कृत्रिम विधियों द्वारा जनन करवा सकते हैं, ये भी जनन की ही है विधि है। तो आज हम आगे ये पढ़ेंगे, ठीक है। कायिक जनन में आपको मैंने बता दिया था कि कायिक जनन जो है वो दो विधियों द्वारा होता है, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन, सॉरी प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। आज हम कृत्रिम कायिक जनन पढ़ेंगे, मैंने बता दिया। अगर कोई मनुष्य द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा अगर पौधों में जनन करवाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम कायिक जनन।
मेथड यूज होती है। क्यों अलग अलग मेथड यूज होती है? क्योंकि प्लांट्स की वेराइटीज बहुत सारी है। हम अगर पेड़ पौधे देखें तो उनकी तो बहुत सारी वेराइटी है, अलग अलग जाती है, तो उससे एक ही प्रकार की मेथड या एक ही प्रकार की विधि का उपयोग हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मेथड का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट जो विधि है उसका नाम है कलम या रोपण या कलम बांधना। अब नाम से ही डिफाइंड होता है कि रोपण का मतलब क्या होता है, रोपित करना, और कलम बांधने का मतलब क्या होता है, वही कलम को दूसरे पर ग्राफ्ट करना। तो पहले तो ये समझ लो कि हम कैसे ग्राफ्टिंग करते हैं। अगर हमको किसी चीज की ग्राफ्टिंग करनी होती है ना, हम ये इसमें पढ़ रहे हैं ग्राफ्टिंग है, या रोपित करना होता है, कलम बांधना होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये जो होता है ये मुख्य तना होता है जिस पर हमको कि रोपण करना है, ठीक है। पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कलम, ठीक है। और जिसको हम इसके ऊपर रोपित कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं इस कलम, क्या बोलेंगे, इस कलम, ठीक है। तो ये वाला भाग तो हो गया कलम, और ये वाला भाग होता है इस कलम। अगर मान लीजिए कोई पौधा कमजोर है या कोई पौधा जो है बीमार है, अगर हम उसको स्वस्थ पौधे पर ग्राफ्ट करते हैं या स्वस्थ पौधे पर अगर रोपित करते हैं, तो उससे क्या होगा, उसके जो रोगी गुण होंगे वो खत्म हो जाएंगे, और धीरे धीरे वो पौधा भी कैसा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो कलम जो ये इस तरह का कृत्रिम जो कायिक जनन होता है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो रोगी पौधे होते हैं उनके रोगों के गुणों को खत्म कर देते हैं, उन्हें स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद होना चाहिए कि जिस पर हम कलम लगाते हैं, जो मेन मुख्य तना होता है उसे हम कलम कहते हैं, और जिसको हम रोपित कर रहे हैं उसको स्कंद कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ग्राफ्टिंग या रोपण में। ग्राफ्टिंग का मैंने मीनिंग बता दिया आपको कि मुख्य तना होता है, मुख्य तने के ऊपर हम स्कंद को लगाते हैं, ठीक है। ये भी अलग अलग प्रकार का होता है, इसके भी अलग अलग भाग होते हैं। पहला जो भाग है उसको कहते हैं हम वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का मतलब क्या होता है, अगर हम जो मुख्य कलम होती है, मुख्य कलम को हम कैसा काटेंगे, ऐसा काटेंगे जीप जैसा, ठीक है, ताकि वो उसमें फिक्स हो जाए, ठीक है। और जो ऊपर वाला मुख्य भाग होता है, या सॉरी ऊपर वाला जो भाग होता है उसको भी हम कैसा काटते हैं, जीप जैसा। तो इस तरह का जो रोपण होता है, इसमें ये वाला भाग स्कंद का होता है और दूसरा वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम कलम, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करने के बाद क्या करते हैं, उसके आसपास जो है वो पेड़ को लपेट देते हैं ऐसे, तो वो फिक्स हो जाता है। और फिक्स होने के बाद क्या होता है, ये ग्राफ्टिंग का उपयोग हम क्यों करते हैं, ये वाला जो मान लीजिए अलग प्लांट है, अलग वेराइटी है, और ये अलग वेराइटी है, होगी एक स्पीशीज की, जैसे ऑरेंज, ऑरेंज की तो अलग स्पीशीज को जोड़कर हम नहीं बना सकते, ठीक है। केले भी हम अलग अलग स्पीशीज को जोड़कर नहीं बना सकते हैं, मैंगो मतलब आम की हम दो अलग अलग स्पीशीज को जोड़कर नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें नया पौधा प्राप्त होता है। तो ये कब होता है, हम इसको पानी देंगे, खाद देंगे, है ना, आसपास से उसको लपेट देंगे, उसको नमी देंगे, तब एक समय ऐसा आता है कि इससे क्या निकलने लगती है, पत्तियां निकलने लगती है इस तरह से, है ना। तो ये इस तरह का जो रोपण होता है उसको हम क्या कहते हैं, वृक्षारोपण कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है, कीलवत रोपण, इसकी बात करते हैं, सॉरी कीलवत नहीं, ये वाला लेते हैं, जीवाकार रोपण। जीवाकार रोपण का मतलब क्या होता है, अगर हमको किसी पौधों पर मतलब किसी कलम पर, अगर हमको कलम पर स्कंद को रोपित करना है, तो उसमें कैसा बनाना पड़ेगा, वी आकार का शेप बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अगर हम वी आकार का शेप बनाते हैं तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे से फिक्स हो जाएंगे, जब वो फिक्स हो जाएंगे तो क्या होता है, कुछ समय बाद जब हम जल अगर हम डालते हैं तो जल का क्या होता है, संवहन होने लगता है, जल का भी संवहन होगा, खाद्य पदार्थों का भी संवहन होगा। जब धीमे धीमे इसमें संवहन होने लगता है, तो यहाँ जो ये वाला भाग होता है, गेप वाला भाग, इसमें क्या होने लगती है, कोशिकाएं बनने लगती है, और ये कोशिकाएं क्या होती है, एक दूसरे को आपस में जोड़ देती है। तो ये स्कंद वाला भाग हो गया, और ये वाला भाग होता है कलम भाग, ठीक है। तो ये दोनों भाग आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं, पर कैसे जोड़ते हैं, वी आकार में जोड़ते हैं। तो जब हम इनको वी आकार में जोड़ते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, फिर ये पौधा नया पौधा बनता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीवाकार रोपण, ठीक है, जीव जैसा आपको दिख रहा होगा, वी शेप में जीव जैसा दिख रहा है, सॉरी वी जैसा दिख रहा है। फिर आता है कीलवत रोपण।
रोपण में क्या कील कैसे बनी होती है? आपने देखा होगा स्टेम से बनी होती है, ये ऐसे है ना, या ऐसे ले लीजिए इसको, ऐसे कील बनी होती है। मान लीजिए ये मुख्य पौधा है, अब मुख्य पौधे में क्या करेंगे, ऐसे कील जैसी शेप बनाएंगे, ठीक है। ये मुख्य पौधा हो गया, ये कलम हो गई, इसको कलम भी बोल सकते हो, मुख्य कलम, ठीक है। ये मुख्य तना हो गया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कील के समान खांच बनाते हैं। खांच बनाए हमने, अब जिस पौधे को हमको इस पे रोपित करना होता है उसको भी हम कैसा काट लेते हैं, कील जैसा काट लेते हैं, और इसको इसमें क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद इसके ऊपर ऐसे टैग लगा देते हैं, ठीक है। और इनको क्या देते हैं, पानी देंगे, नमी देते हैं, पानी के कारण नमी आ ही जाती है, और उसके साथ ही हम इसमें क्या देते हैं, उर्वरक अगर देना हो तो उर्वरक, या खाद अगर देना हो तो खाद हम देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद ये जो हमने कील लगाई है उससे क्या होने लगता है, धीरे धीरे पत्तियां विकसित होने लगती है, क्योंकि खाद्य पदार्थों का और जल का संवहन होता है। जब इससे पत्तियां विकसित हो जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं और अलग इसको रोपित कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको नए पौधे को निर्मित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है किरीट रोपण, ये वाला भाग, ठीक है। किरीट रोपण, इसमें मैंने इसलिए क्राउन लिखा है, क्राउन में क्या होता है, एक जो नीचे वाला जो मुख्य तना होता है वो बहुत ज्यादा गहरा होता है, और इसमें क्या करते हैं, दो तीन अलग अलग ब्रांचेस को हम लगा सकते हैं, मतलब कि दो अलग अलग तने को हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, चूंकि इसकी जड़ें रहती है नीचे, तो ये जल का संवहन होगा यहाँ पर। अगर जल का संवहन होता है तो क्या होता है, यहाँ पर हम एक दो या दो से चार भी हम इसमें तने लगा सकते हैं, ठीक है, इस कंद को लगा सकते हैं। ये वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, स्कंद होता है, और ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं हम कलम, ठीक है। इस कलम में हम क्या करते हैं, दो से तीन स्कंद को जोड़ सकते हैं। जब इन स्कंदों से पत्तियां विकसित होती है तब इसको क्या करते हैं, इसको काट के अलग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, धीरे धीरे जड़ें भी विकसित होने लगती है, ठीक है। तो जब जड़ें विकसित हो जाती हैं तो इनको निकाल कर जमीन में रोप देते हैं। और इसमें क्राउन का मतलब क्या है, क्राउन किरीट रोपण का मतलब यही होता है कि हमने इसको कहाँ लगाया, क्राउन जैसा लगाया है, एक तरह से सिर पे दिख रहा है आपको, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, किरीट या क्राउन, ठीक है। रोपण, रोपण मतलब रोपित करना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने रोपण वाली विधि पढ़ ली है। रोपण में हमने क्या करा, हर चीज को रोपित किया है, मतलब कि एक मुख्य तने पर उसको क्या कर दिया, हमने रोपित कर दिया। अब हम इसकी दूसरी मेथड पढ़ते हैं, कली गायन। अब कली गायन का मतलब क्या होता है, कली गायन का मतलब ये होता है कि अलग से किसी चीज को जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मेथड है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, कली गायन करते हैं, मतलब कि कली को अलग से लगाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे हो गया कि मुख्य तना होता है, मुख्य तने में से टी आकार का शेप बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, टी जैसा, ये दिख रहा है आपको, टी जैसा बनाते हैं, और एक अलग से स्कंद लेते हैं, इसको बोलते हैं स्कंद, है ना, इसको बोलते हैं खांच, और ये होता है मुख्य तना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको हमने अलग कर लिया, अब थोड़े समय बाद क्या होता है, जब हम इसको इसमें फिक्स करेंगे, यहां से हमने क्या करा, इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसके आसपास जिप कर देंगे, मतलब कि आसपास जो है टैप लगा देंगे। टैप लगाने के बाद हम जब इसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो क्या होता है, इससे भी पत्तियां विकसित होती है, क्योंकि जल का संवहन होता है, भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। तो जब इससे छोटी छोटी पत्तियां विकसित होने लगती है, तो तब हम इसको क्या करते हैं, इससे अलग करते हैं, नए पौधे को विकसित करते हैं। तो यहाँ तक आपकी दो मेथड हो गई है, मैंने आपको दो मेथड पढ़ा दी है, कौन कौन सी, रोपण मैंने पढ़ा दी है आपको, कलम बांधना, कलिकायन पढ़ा दिया है मैंने, कलिकायन मतलब आपको बता दिया है कि कलिकायन में क्या होता है, टी कलिकायन होता है। अब इसकी मैं कुछ और मेथड है वो आपको बता देती हूँ। हाँ, इसमें एक मेथड और होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूब कलिकायन, है ना, टी कलिकायन होगी, दूसरी जो होती है वो होती है ट्यूब कलिकायन। दो मेथड है इसमें, ट्यूब कलिकायन।
मैंने यहाँ पर आपको दो मेथड पढ़ा दी है, अब मैं आगे के वीडियो में आपको ये तीन मेथड बताऊंगी जिसमें है दाब लगाना, कर्तन और सूक्ष्म प्रवर्तन। ओके, थैंक यू।